तो फिर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शिल्पा आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अनीशा का फूटेगा भांडाने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है। अक्षरा के लिए अभिमन्यु काफी प्यारा सा सरप्राइज प्लान करता है, घर वाले सभी लोग मिलकर डांस पार्टी मस्ती सब करते हैं और अभिमन्यु उसके लिए प्यारा सा सॉन्ग गाता है। तो वहीं पर आरोही अब अभिमन्यु को चारों शरों में ये बता देती है कि वो दरगाह गए थे और अभिमन्यु को बहुत गलत लगता है कि उसने बात छुपाई अक्षरा ने और वो सबके सामने अक्षरा से पूछता है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। अक्षरा को आंखों में आंसू होते हैं, वहीं पर देखने को मिलता है कि वो उससे कुछ पूछते उससे पहले ही अनीशा की एंट्री होती है और अनीशा के बारे में पहले से ही यहाँ पर मना कर देता है। देखने को मिलता है किस तरह से अभी यहाँ पर वो पहले से आयरा साफ अपनी दादी को मना कर देता कि वो अभी इस शादी के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि अक्षरा और अभिमन्यु काफ़ी खुश हैं आज। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अब अनीशा आकर सबको सरप्राइज देती है और सबके सामने कायरा को प्रपोज कर देती है, लेकिन अब कायरा साफ इनकार करते नजर आएगा शादी के लिए। वहीं पर अब कायरा बहुत बुरी तरह से उस पर भड़कते भी नजर आने वाला है कि जब तुम्हें मन किया तुम चली जाती हो, जब आती हो यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज कर देती हो, चाहो रिश्ता निभाती हो, जब नहीं चाहो तो नहीं निभाती हो। और वो काफ़ी मनचली सी इंसान है, ये कार्य को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो कार्य साफ इनकार कर देता है शादी के लिए। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो बुरी तरह से अनीशा का दिल तोड़ते नजर आएगा, जिसकी वजह से कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और अनीशा का एक और भी चेहरा है जो कि वो किसी और के प्यार में भी है और वही अब सच्चाई सामने आने वाली है कि वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन अब इसी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वहीं पर अब देखने को मिलेगा एक और सच है कि किस तरह से उसके पीछे लड़का पड़ गया था और किस तरह से उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और अब वो फिर से कायरो के पास आना चाहती हैं। देखने को मिलेगा दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु का ट्रीटमेंट करने के लिए मिस्टर खेरा तैयार हो जाता है और वो कुणाल खेरा अब अभिमन्यु की सर्जरी करते नज़र आएगा और अभिमन्यु का हार्ट ठीक करेगा।